सापरा जी आपसे शुरू करेंगे आज। सापरा जी पहले ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बताइए जरा, खड़गे जी को क्या जरूरत थी उनकी तबीयत खराब हुई मंच पर इस तरह से इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की, ये कहने की कि पीएम को हटाए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं, क्या जरूरत थी? मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब ने जो आज इस देश की वस्तु स्थिति है उसके ऊपर बोलते हुए उस तरह की बात उन्होंने कही है, जिस तरह से आज जो है देश का किसान परेशान है, देश के किसान को इन्होंने झूठ बोला कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे और तीन काले कानून इन्होंने जब वापस लिए तब प्रधानमंत्री ने किसानों से देश माफी भी मांगी है, लेकिन फिर वो वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। उसी तरह से युवा परेशान है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, उसी तरह से लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, आज ओपीएस का मुद्दा है, आज अग्निवीर का मुद्दा है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और हरियाणा के अंदर और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक दशक का राज रहा है, ये दर्द का दशक रहा है, ये नाकामियों का दशक रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय खड़गे साहब ने वो बात कही है कि आज जो हमारी नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हमारी नीतियां, हम उसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, हम ये नीतिगत लड़ाई जो है इसके खिलाफ हम लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। वो तो ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी, लेकिन गृह मंत्री क्या कह रहे हैं सापरा जी? कहा गृह मंत्री कह रहे हैं ये मोदी के प्रति आपकी नफरत है, कटुता है, दुश्मनी है, ये जो बार बार आपके नेताओं के बयानों में और अब तो पार्टी अध्यक्ष के बयान से सामने आ गई, ये नफरत है आपकी मोदी के लिए? नहीं नहीं भाई, गृह मंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो चाणक्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री विक्टिम कार्ड खेलने लगे, लेकिन इसका क्लियर कट ये दर्शाता है कि हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। नहीं तो गृह मंत्री कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास है। क्यों नहीं गृह मंत्री ने वहां के ओबीसी की बात की, क्यों नहीं वहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, क्यों नहीं उन्होंने अग्निवीर की बात की, क्यों नहीं उन्होंने ओपीएस फिर से दोहराएंगे ऐसी बात की, हरियाणा की समस्याओं की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान भटकाने का काम करेंगे। ये हरियाणा की जनता सहन करने वाली नहीं है, हरियाणा की जनता बयान खड़गे जी ने दिया है बताइए, और आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश गृह मंत्री कर रहे हैं। अरे शुरुआत तो खड़गे जी ने की है कि मोदी को हटाए बिना नहीं मरूंगा मैं। नहीं नहीं तो विक्टिम कार्ड अमित शाह खेलना चाहते हैं, अब ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दो ना कि 10 साल में आपने हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया है। अच्छा, ठीक, आपको 9.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री हटाने की जरूरत क्यों पड़ी है? ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता सैनी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो, क्यों हार का ठीकरा? अभी हरियाणा चुनाव पे आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं सापरा जी, अभी आ रहा हूं, लेकिन